टीएमसी आज टीएमसी के गुंडे किस तरीके से यहां पर अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कहने में आया हूं, अभी 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विस्तारक की निर्मम हत्या यहां पर हुई है। और हम आपसे कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, ज्यादा दिन नहीं, कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है। और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और इन सभी गुंडों को ढूंढ ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यहां पर न रोजगार की व्यवस्था दी, न नौकरी की व्यवस्था दी, उद्योग धंधे बंद हो गए, टीएमसी के गुंडे तोलाबाजी करके विकास के लिए आने वाले पैसे को जबरन हड़पने का काम करते हैं। और यहां की जनता विकास के नाम पर देखती रह जाती है। विगत वर्ष यहां पर एक साइक्लोन आया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा यहां के लोगों को सहायता देने के लिए किया, लेकिन पैसा टीएमसी के गुंडों ने हड़प लिया, जनता के पास पैसा गया ही नहीं, रात पहुंची नहीं। सरकार ने जनता के सामने ये पहुंचने ही नहीं दिया। इसका मतलब टीएमसी का विकास में कोई रुचि नहीं। ममता दीदी पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री है, और भाइयों बहनों मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों में उन्होंने बंगाल के अंदर कितने लोगों को मकान दिया है, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को दिया है, ये पूछा जाना चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख गरीबों को एक एक आवास यूपी के अंदर दिया है। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं। 1 करोड़ 35 लाख गरीब परिवारों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीब परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आरोग्यता का बीमा कवर उपलब्ध करवाया है। और भाइयों बहनों 2 करोड़ 42 लाख किसान परिवारों को 6000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आखिर ये लाभ बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की जनता को ये लाभ मिल पा रहा है तो फिर बंगाल की जनता को ये लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण साफ है, टीएमसी की सरकार का लोक कल्याण में, जन कल्याण में, जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं है। ममता दीदी इसमें कोई रुचि नहीं लेती, उनका विकास में कोई रुचि नहीं। न हाईवे, न रेलवे, न एयरपोर्ट, न एम्स, न मेडिकल कॉलेज, ये कुछ भी दीदी नहीं बनने देगी यहां, क्योंकि दीदी को तो एक ही काम करना है। अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आप सामने देख रहे होंगे भवन, और सामने एक और भवन, ये भी भगवे रंग से रंगे हुए हैं। ये भारतीय परंपरा की प्रतीक है। यही भगवा था जिसे लेकर के चैतन्य महाप्रभु भक्ति का गीत गा करके गली गली में जाकर के भक्ति का संदेश देकर के व्यापक जन जागरूक करके उस कालखंड में बंगाल को बचाने का काम किए थे। यही भगवा था जिस भगवे को पहन करके
स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म और संस्कृति की अलग दुनिया के अंदर बताने का काम किया था। यही भगवान है। जब सूर्य देव उगते हैं इसी भगवान लालिमा के साथ, वह एक नई जीवंतता हमें प्रदान करते हैं और यही तो भगवा है। जैसे हम जब अष्टमी के दिन मां काली की पूजा करते हैं तो मां काली को भी यही हम अर्पित करते हैं। भगवा की परंपरा पर, और अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जवान को बंद कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं, बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आखिर इसी बंगाल की धरती पर तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बंगाल की धरती से एक नारा दिया था और वह नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की कुटिल नीति के कारण भारत के संविधान में धारा 370 जोड़ने की कुत्सित चेष्टा हुई थी, उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई थी, तो बंगाल की धरती पर पैदा हुए महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का काम क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आज जम्मू कश्मीर के अंदर व्यवस्था बना दी है कि अगर 24 परगना क्षेत्र के नौजवान भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहेंगे तो उनको वहां पर इसकी पूरी स्वतंत्रता होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है।